गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने ब्लड रिलेशन देखा था। आज हम लोग का टॉपिक है एनोलॉजी। सादृश्यता। देखिए तीन टाइप के बनते हैं क्वेश्चन। टाइप वन वर्ड बेस्ड, अल्फाबेट, नंबर बेस्ड। ठीक है, वर्ड बेस्ड, अल्फाबेट और ये। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले वर्ड बेस्ड किस तरीके का क्वेश्चन बनता है। जैसे लिखा हुआ है बल न्यूटन विभव क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो रिलेशन बल और न्यूटन में होगा वही रिलेशन यहां से पता करना है। तो आप देखिए बल का मात्रक है न्यूटन, उसकी यूनिट है, तो विभव की यूनिट क्या होगी, वोल्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फ्रॉग के साथ क्रोक लिखा हुआ है तो मंकी के साथ क्या होगा। कहने का मतलब फ्रॉग और क्रोक में जो रिलेशन है, यानी कि क्रोक क्या है, साउंड है, मेढक की साउंड, क्रोक टटराना, तो मंकी का क्या होगा, गिबर। मंकी का क्या होता है, गिबर, बड़बड़ाना, इसका साउंड गिबर कहते हैं। थर्ड, लीव्स, पत्तियों के लिए एक शब्द यूज हुआ है रशल, तो रेन के लिए क्या होगा, क्या है ये लीव्स और रशल का मतलब, रशल सरसराहट साउंड होती है, तो पत्तियां जब चलती हैं तो एक साउंड आती है सरसराहट। उसी तरह से रेन जब वर्षा होती है तो क्या सर साउंड आती है, पट पटाहट, पट 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 करता रहता है, तो इसका मतलब होता है पैटर, पट पटाहट। ठीक है, पेंसिल का लीड है तो पेन, पेंसिल में लीड होती है तो पेन में क्या होगा, इंक। पॉ कैट तो हूफ। देखिए पॉ का मतलब पंजा, तो बिल्ली का पंजा है, तो हूफ का मतलब होता है खुर। तो अब जो ऑप्शन होगा इसमें, जैसे इन्होंने ऑप्शन दिया है घोड़ा, शेर, मेमना और हाथी, तो खुर हम किसके लिए यूज करते हैं, मेमना के लिए। ठीक है, दर्जी का रिलेशन सुई से है तो लकड़हारा का रिलेशन किससे होगा। देखो दर्जी सुई से सिलता है तो लकड़हारा लकड़ी काटेगा किससे, कुल्हाड़ी से। ठीक है, कैंची का रिलेशन कपड़ा से है तो कुल्हाड़ी, कैंची से क्या काटा जाता है, कपड़ा, तो कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी जाती है।
ठीक है। कनाडा की राजधानी ओटावा है, तो आपको दोनों ब्लैंक भरने हैं। ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं, मिश्र का रिलेशन काहिरा से है, नॉर्वे का हवाना से है, फ्रांस का रोम से है, केन्या का तेहरान से। तो आप बताएं क्या होगा। देखिए कनाडा की राजधानी ओटावा है, तो मिश्र की राजधानी कायरा, यही सही है। इंडिया का न्यू दिल्ली है, तो लीबिया का रिलेशन किससे होगा। देखो राजधानी पूछी गई है, तो लीबिया का क्या होता है, त्रिपोली। ठीक है ओके। क्वेश्चन नंबर 10, कैट का किटन है तो एलिगेटर। देखो एलिगेटर का मतलब घड़ियाल या मगर मच्छ जो होता है वो होता है, और ये बच्चा होता है किटन, कैट का बच्चा किटन कहलाता है, तो एलिगेटर का क्या होगा, हैचलिंग। ठीक है, समझ में वर्ड बेस क्लियर हुआ सबको। कुल मिला के ऐसे ही है, आपका जीके जितना अच्छा होगा ये वर्ड बेस उतना बेहतरीन हो जाएगा। टाइप टू, अगर ये एफ जी वी यू टी है, जे आई एच है, तो क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, विपरीत है, इसलिए जे आई एच क्यू आर एस होगा। स्टीव, तो ये क्या होगा। देखिए एच आई जे है ना, ओ पी क्यू, एच से ओ कितना, प्लस सेवन एड करना होगा, प्लस सेवन एड करना होगा, प्लस सेवन एड करना होगा, तभी तो आएगा। तो एस टी यू में प्लस सात एड कर दीजिए, ठीक है एस टी यू, तो 19 में जब आप सात ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 26, एस का 19 होता है ना, और टी में जब सात ऐड करेंगे 20 सा 27 यानी ए, और यू 21 सा 28, तो बी होगा। आंसर इज जेड ए बी। डब्ल्यू यू एस डी एफ एच एम के आई, देखिए डब्ल्यू यू एस डी एफ एच कितना होगा, ये तो विपरीत है, ड्यू फन, इसलिए एम के आई का क्या होगा, विपरीत लिख दीजिए इसका, एम का विपरीत एन, के पी आई आर, आंसर इज एन पी आर। एफ एस का रिलेशन एल वाई से है, तो टीवी का रिलेशन किससे होगा। देखिए
एफ और एस, एल और वाई, आप देखिए कितना ऐड हो रहा है, प्लस सिक्स, तो टी और वी में भी प्लस सिक्स ऐड हो जाएगा, कितना आंसर आएगा, जेड 2228 यानी बी, आंसर इज जेड बी 5। डी का रिलेशन ओ से है तो एफ का रिलेशन और इस 9 में अगर 5 ऐड कर दें, 5 नहीं 6 करना पड़ेगा क्योंकि ओ का कितना होता है 15, तो 9 प्लस 6 तो 15 यानी कि ओ आ जाएगा। तो इसी तरह से ए प्लस एफ कर दें और 7 में 6 ऐड कर दें, 7 6 13, 13 होता है एम का, मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो एम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ई जी जे जे एल ओ क्वेश्चन मार्क टी वी वाई। तो आप देखिए ई जी जे अगर हम कंपेयर करें जे एल ओ से, ये 5 है, ये 10 है, प्लस 5 हो रहा है, तो टी वी 5 20 5 25 तो वाई आएगा, 22 5 27 ए आएगा, 25 5 30 तो डी आएगा, आंसर इज वाई ए डी। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, हमको एक्चुअल में बीच का चाहिए ना। देखिए ये कुछ ऐसे है, ई जे जे EGJ JLO, तो हमें इधर से इधर देखना पड़ेगा, तब तो हमें यहाँ से यहाँ मिलेगा। तो हम ये देखते हैं कि JLO से EGJ कैसे लाया गया होगा, -5 5 -5, तो यहाँ भी हमें -5 कर देना, इसका मतलब टी वी वाई से -5 करिए, क्या आएगा, ये 20 है, ये 22 है, ये 25 है, ये 15 आएगा, 17 20, ये टी का होता है, क्यू का होता है, ओ का होता है, तो आंसर इज ओ क्यू टी। समझ में आपको क्या करना है, ठीक है, अल्फाबेट में केवल रिलेशन ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे कोडिंग डिकोडिंग क्लासिफिकेशन सब हम लोग तैयार कर चुके हैं। टाइप 3 में नंबर बेस्ड, एट का रिलेशन 128 से है तो 6 का रिलेशन किससे होगा,
देखो अगर 8 का स्क्वायर कर दे 64 और दूनी तो 128, देयरफॉर 6 का स्क्वायर इनटू 2 72 आंसर। दूसरा 23 203 से रिलेटेड है तो 95 किससे रिलेटेड होगा, ठीक है। अब 23 से 203 कैसे लाया गया होगा, 13 का तो 100 से कर सकते हैं, जैसे दो सौ तीन 2 × 100 कर दें और प्लस 3 कर दें तो 9 × 100 कर दें और प्लस 5 कर दें तो 905 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 76 का रिलेशन 9 से है, 124 का रिलेशन किससे होगा बताइए। 9 72, अगर 76 में से 4 माइनस कर दें और 8 से भाग दे दें तो 9 आ जाएगा, तो इसलिए 124 माइनस 4 करके 8 से भाग दे दें, 120/8 15 आंसर। फोर्थ 23 30 और 37 किसके जैसा सेट चाहिए, ऑप्शन है 6 13 20 7 15 22 21 28 34 12 19 और 25। अब आपको एक रिलेशन देखना होगा, देखो क्या रिलेशन है, 23 से 30 कैसे लाया गया होगा प्लस 7 से, 30 से 37 कैसे लाया होगा प्लस 7 से, 6 से 13 प्लस 7, 13 से 7 20 करेक्ट आंसर है। सोलह 10 36 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 8 × 16 8 + 2, ठीक है। 8 × 36 यानी कि 20। अब आप सोचेंगे कि सर 18 के लिए तो इसका आधा किया गया, देखो 16 का आधा 8 है उसके हिसाब से लिया गया, तो इधर 36 का आधा 18 करेंगे, चौबीस 35 48 क्वेश्चन मार्क। ये 5 का स्क्वायर माइनस 124 होता है, 6 का स्क्वायर माइनस 136 मतलब 35 होता है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 148 है, तो 8 का स्क्वायर माइनस 163 आंसर होगा। 56 का रिलेशन 7 से है तो 72 का रिलेशन किससे होगा, 7 8 56। देखो ये जो नंबर है 7 उसे 56 लाना होगा, 7 8 56 7 × 7 + 1। इसी तरह अगर हम 72 का करना चाहें तो 8 × 72 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर 8 होना चाहिए, एट 81 10 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऑप्शन ले लीजिए, ये तो स्क्वायर है 9 का, तो ये देखिए 8 है 9 का स्क्वायर, 10 है तो 11 का स्क्वायर, 121 करेक्ट ऑप्शन। Thank you.
क्वेश्चन नंबर 9 15-25 हो रही है, अगर 5 से अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो 15, 5 और 5 का मल्टीप्लाई कर दे तो 25, 8 और 3 का अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 24, 40 क्लियर हुआ नंबर्स एनालॉजी कैसे करना है। कुल मिला के आपको रिलेशन निकालना होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये एनालॉजी का टॉपिक था आपका, जिसमें तीनों टाइप हम लोग देखते हैं। और अगर आपका कोडिंग डिकोडिंग अच्छा है, अल्फाबेटिकल सीरीज अच्छी है, तो ये टॉपिक बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मिसिंग नंबर, ठीक है। हम लोग मिसिंग नंबर देखते हैं। हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, ठीक है। कोई एक लॉजिक ढूंढना होगा फर्स्ट में, फिर उसी हिसाब से दूसरा वाला भी लॉजिक हो वही फॉलो करते हुए क्वेश्चन मार्क का आंसर चाहिए। अगर आप देखें तो 25, 16 और 81 ये सब तो स्क्वायर दिख रहे हैं। 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसका मतलब 64 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। अब बीच में देखो 361 आ रहा है, ये 361 कैसे आया होगा, तो 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 9, तो 91 ये नंबर ऐड हुए हैं, ठीक है, जो है स्क्वायर वाले 19, और इस 19 का ही स्क्वायर कर दिया गया है 361। यहाँ देखो 8 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 और 17 का स्क्वायर हो गया 289। तो इसी तरह से 9 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1 18, तो 18 का स्क्वायर 324, तो क्वेश्चन मार्क की जगह 324 आएगा। ये है मिसिंग नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, टू टू
168, 8, 1, 2, 5, 3, 1, 120, 2, 3, 5, 4 क्वेश्चन मार्क। देखिए 168 कैसे आया होगा, कुछ तो किया गया होगा। अगर सभी को जोड़ दें 8 + 2 + 2 + 1 = 13 और 13 का स्क्वायर कर दें 169 - 1 = 168 आ गया। इधर अगर हम कर दें 2 + 5 + 3 + 1 = 11 का स्क्वायर 121 - 1 = 2 120। therefore 2 + 3 + 5 + 4 = 14 14 का स्क्वायर 196 - 1 = 195 इज द आंसर। सो आंसर इज 195। 5 है, 8 है, 4 है, 7 है, 6 है, 6 है, 12 है, 8 है, 7 है, 9 है। क्वेश्चन मार्क है 9, 16, 14 और 10। देखिए 6 में ऐड कर दीजिए 8 + 4 + 7 = 25 और इस 25 का ये 5 लिया गया है। 9 + 12 + 8 + 7 = 36 अब इस 36 का 6 लिया गया है। तो 9 + 16 + 14 + 1 कितना आएगा, यहाँ पे 10 है। तो 49 में 9 लेना है। आंसर इज 9। क्या आंसर होना चाहिए? देखो 4 और 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 और 3 का मल्टीप्लाई +5 9 गड़बड़ है। कुछ और लगाया गया होगा। सोचो 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 क्या होगा। डबल किया जा सकता है 4 + 3 + 6 और 13 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का +1 कर दीजिए। यहाँ पे 3 + 4 + 5 12 में 2 का मल्टीप्लाई +1 2 तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा 5 + 8 + 7 करेक्ट आंसर इज 43। Parallel residency.
हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। देखिए किया जा सकता है। अब जैसे ये दोनों लिया जाए, 5 का स्क्वायर कर दीजिए और छोटी संख्या माइनस कर दीजिए, इन दोनों में 9 - 5 4 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस छोटी संख्या 5 11 इधर 11 - 4 7 का स्क्वायर 49 माइनस छोटी संख्या 4 यानी कि 45 सही आ रहा है। इसका मतलब 10 - 3 = 7 7 का स्क्वायर 49 - 3 46 आंसर इज 46। क्वेश्चन नंबर 6 14, 16, 18 इन दोनों को अगर निकाला जाए रो 1 और 2 से ये बताना पैतालीस आएगा। सही है। इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन एक हमने और किया था पीछे, वैसा ही क्वेश्चन है, डिजिट चेंज हो गई होगी।
टोटल पावर, टोटल पावर एस है, एक्टिव पावर प्लस टोटल पावर, एक्टिव पावर बराबर है, तो क्या हम कह सकते हैं अनुनाद के समय वाई इक्वल टू अनुनाद के समय आर आ जाते हैं और अनुनाद के समय एस पी के बराबर है। तो इसमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, कैसे आया होगा? बहुत आसान है, देखो 7 का स्क्वायर कर दो 49, नाइन माइनस टू, इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 9 माइनस टू तो 7 आ जाएगा, और 7 का अगर स्क्वायर कर दें तो 49 वो आ जाएगा, ये देखो वैल्यू। 8 माइनस 5 इस दोनों में अगर करते हैं तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर कर दे तो 9 आ जाएगा। 6 माइनस 4 को 2 आया, 2 का स्क्वायर कर दो 4 आ गया, तो 7 माइनस 4 1 होगा आंसर यहाँ। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। ठीक है, ये है 80 लाना है। देखो किस नंबर से अगर देखें, आप 184 इधर आंसर।
25 का स्क्वायर 625 होता है, 441। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्या 28 आएगा? यस, 28 इज द करेक्ट। ये कैसे आया होगा 5973? क्या लॉजिक लगाया गया होगा? अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इनको ऐड कर दे, तो 9 × 7 इसका मतलब 9 × 7 5 + 3 यही है। तो आमने सामने का मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को प्लस करना है। 26 62 is the answer. Question number 12. देखिए, इन दोनों को सबको ऐड करके ये लाया गया है। तो 21 ये द करेक्ट आंसर। ओके, तो इनमें आ रहा मिसिंग नंबर्स। क्या करना होगा? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 × 10 = 20 इसको एक्स मान लेते हैं। फाइव इज द आंसर। ठीक है, देखिए अब क्या करें। अगर इन दोनों को ऐड करके भाग दे दें, जैसे 80 + 40 120/2 तो 60 आ गया। इसी तरह अगर इन दोनों को देखें तो 110 + 90 200/200 आ गया। तो यहाँ पे x मान लो, x प्लस 150 = 120 आना चाहिए।
So therefore x is equal to 240 minus 150. Answer is 90. 90 is the correct answer. तो मिसिंग नंबर समझ में आए स्टूडेंट्स, क्या करना होता है लॉज। अब देखिए इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, प्रैक्टिस से होगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही अच्छा शार्प होगा मिसिंग नंबर, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मिसिंग नंबर्स के क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। ओके चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग नेक्स्ट इसके आगे शुरू करेंगे। थैंक यू। And that is it.